अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो माहिर। बाबा एक सेकंड। नहीं, खाना बनाया मैंने खुद आपके लिए, पूरा खाइएगा छोड़िएगा मत। अच्छा, ये मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से बनाया है तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। जी और खुद ही खाइएगा, किसी और को मत खिला दीजिएगा। जी बहुत बेहतर है, मैं खुद ही खा लूंगा, किसी और को नहीं खिलाऊंगा। जी चल। अच्छा सुनो, कुछ चाहिए? शाम को आते हुए लेता हूँ तेरे लिए। नहीं, सिर्फ आप वापस जाइए। कितने साल हो गए? काफी हो गए है ना। रोज पूछता हूँ जाते हुए कि कुछ चाहिए तो मंगा लो, लेकिन तुम बताती ही नहीं। ये लड़की जात हो, कभी तो किसी चीज की जरूरत होगी, कोई चप्पल, कोई चूड़ी, कुछ भी। नहीं, क्या मंगाएगा बेटा, दुनिया में बहुत चीजें हैं मांगने के लिए। लेकिन मेरी दुनिया तो आप है, तो क्या मांगू आपसे? अच्छा जी, जवाब देना आ गया मुझे, मैं बाप को लाजवाब कर दूंगी। मेरा बेटा जीता है मेरी जान। अल्लाह बाबा। ये क्या है, लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है, कोई देख लेता तो क्या सोचता? आपको ध्यान रखना चाहिए ना। मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी गुड़िया है ना। नहीं, लेकिन आपको खुद भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक तरह से तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे आदत डाल लेनी चाहिए अपना ध्यान रखने की, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें रुखसत तो होना ही है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्यों नहीं होना? हर बाप की बेटी रुखसत होती है बेटा, चाहे कितने ही प्यार से पाली हो, जिगर का टुकड़ा हो, ये जिगर का टुकड़ा काट के देना ही पड़ता है ना किसी न किसी को। तो नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो कहूंगी मेरे बाबा साथ जाएंगे। बेटियों के साथ बाप रुखसत होते कभी? बस मेरे साथ होकर ना देखे, कबूल है तो मैंने ही कहना ना। एंड पे अगर मैंने इनकार कर दिया तो फिर के भाई मेरे बाबा को साथ नहीं ले जाने दे रहे, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। फिर अम्मी को आपने संभाल लो। इनकार तुम करो, माँ को तुम्हारी मैं संभालूं? जी नहीं, आप खुद संभालिएगा, आपकी माँ अकेली डांट खाएंगी, आप मेहमान नहीं होऊंगा, भाग जाऊंगा वहां से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।